हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास एर्थ का चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो नहीं देखी हैं तो इस क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आप उन्हें भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है 1000 रुपये, रेट दी गई है 10% पर एनम, टाइम दिया गया है 18 मंथ्स, आगे दिया गया है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो फ्रेंड, पहले जो भी यहाँ पर दिया गया है इसे नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, प्रिंसिपल दिया गया है 1000 रुपये, तो ये मैंने पी इक्वल टू 1000 रुपये लिख लिया है। रेट दी गई है 10%, तो ये आर इजिकल टू 10% यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और टाइम दिया गया है 18 मंथ्स, तो ये एन इजिकल टू 18 मंथ्स लिख लिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ दिया गया है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो क्या करते हैं, देखिए मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ। देखिए, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो जो भी रेट दी होती है उसका हाफ कर देते हैं और जो टाइम दिया होता है उसका डबल कर देंगे। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब हाफ ईयरली दिया हो तो रेट का हाफ कर देंगे और टाइम का डबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू 10%, रेट 10% दी गई है, हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली के लिए रेट को हाफ कर देंगे, 5 10% है रेट तो 5% हो जाएगी, और टाइम का डबल कर देंगे। देखिए 18 मंथ्स है तो डबल करने पर ये 36 मंथ हो जाएगा, तो ये मैंने डबल करके लिख लिया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर से ये जो टाइम है ये मंथ में है, इसे हम ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या कर देंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 मंथ से इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसके अपॉन में मैंने 12 मंथ्स लिख लिया है। अब देखिए, इस 36 मंथ्स को 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तब ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा 3 इयर्स आ गया है। तो अब फ्रेंड हमें एन की वैल्यू 3 इयर्स लेके चलनी है और रेट 5% लेनी है और प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो फ्रेंड, इस टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं किया जाता है, और जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट का हाफ कर देते हैं और टाइम का डबल कर देते हैं, और जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट का 1/4 कर देते हैं और टाइम जो भी दिया होता है उसका 4 गुना कर देते हैं, मतलब टाइम का 4 टाइम कर देते हैं। तो फ्रेंड, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे हटा देता हूं। तो अब फ्रेंड देखिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो फ्रेंड ये फार्मूला हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर पी की वैल्यू और आर की वैल्यू और एन की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड पुट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड, पी की जगह पर मैंने 1000 रुपये पुट कर दिया है, आर की जगह पर 5% मतलब 5 पुट कर दिया है, रेट 5% लेनी है तो आर की जगह पर 5 मैंने पुट कर दिया है, और टाइम की जगह पर देखिए ये 3 इयर्स है तो एन की जगह पर 3 मैंने पुट कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने पी आर और एन की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, जहाँ पर मैं क्रसर मूव कर रहा हूँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ऊपर ये 5 है और नीचे 100 है, तो इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 5 बन जा 5 हो जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा, और जो 0 बचा है ये 2 के साथ में लिख लेंगे, तब ये 20 टाइम में 100 डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो अब फ्रेंड जो बचा है इसे एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये मैंने अभी लिख लिया है, इस जो मैंने ब्रैकेट में जगह छोड़ रखी है, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है। देखिए ये 1 है और प्लस 1/20, हम क्या करेंगे, 1 और 1/20 को प्लस करके इस ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए, जब 1 और 1/20 को प्लस करेंगे तो 20 1/20 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये 20 1/20 लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड, आगे नेक्स्ट स्टेप में इसे और लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 21 का क्यूब ऊपर लिख लेंगे और 20 का क्यूब नीचे लिखेंगे करके,
तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पे करके लिख लिया है, और सिर्फ अभी ऊपर मैंने यहाँ पर जो लिखा है 21/20 का होल क्यूब, यहाँ पर ये मैंने 21 का क्यूब करके लिख लिया है और नीचे 20 का क्यूब लिख लिया है। तो और इसमें अभी कुछ नहीं किया है। चलिए अब इसे थोड़ा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इनका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर से ये सी आई इक्वल टू मैंने 1000 एच डी जैसे ही लिख लिया है। देखिए जो ये 8000 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9261 माइनस 8000। जब इसे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1261 अपॉन 8000। तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ के जो नीचे 30 लिखे हैं इन 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड जो बचा है इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड बचा है 1261 अपॉन में 8 है, तो इसे लिख लेंगे। तो इसे फ्रेंड ये मैंने लिख लिया है 1261 अपॉन 8। तो अब 1261 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 157.36। तो ये फ्रेंड हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 157.36 रुपये आ गया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।